हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी पास स्कूल खेल मैदान में जिला स्तरीय 70वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने तिरंगा फहराकर जनता को संबोधित किया। इससे पहले मुख्य अतिथि वीरेंद्र कंवर का मैदान में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और मुख्य अतिथि कंवर ने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस, होमगार्ड, स्कूल छात्र, NCC कैडेटों ने वीरेंद्र कंवर को परेड की सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी, BJP मीडिया से प्रभारी नरेंद्र अत्री, उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा, ADM रतन गौतम, ASP बलवीर सिंह, SHO संजीव गौतम भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मन समर्पित, तन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और नहीं है, बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। सबसे पहले परेड कमांडर अजय कुमार, प्लाटून कमांडर हिमाचल पुलिस से, होमगार्ड की टुकड़ी के प्लाटून कमांडर राकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर NCC के परेड कमांडर अभिषेक टुकड़ी की अगुवाई करते हुए, परेड कमांडर नेहा अपनी टुकड़ी की अगुवाई करते हुए, नशे से दूर रहने का संकल्प इस गणतंत्र दिवस पर हमें दिलाते। मुख्य अतिथि वीरेंद्र कंवर ने देशवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी व कहा कि आज देश का नाम पूरे विश्व में चमका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के सार्थक परिणाम सामने आए हैं और बिजली की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि 2019 में सौर हिमाचल के नाम से जाना जाएगा, जिसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत भरसक प्रयास जारी हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से गांव के अंदर भारत निर्माण सेवा के तहत सेवाएं दे रही हैं, जिससे पीने के पानी की सुविधा, एम्बुलेंस, सड़क की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। सर्वप्रथम मैं सब प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। इस दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था को जो था वो लागू किया गया और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतंत्र गणराज्य के रूप में जो है वो आज स्थापित हुआ है। मैं इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों को और देशभक्तों को भी स्मरण करता हूँ, जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता दिलाने में अनेकों कुर्बानियां दी। मैं गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर उन सब शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के खातिर अपने प्राणों की जो है वो आहुति दी है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना जो है वो अपनी शान समझते हैं। और आज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को मिलने वाली जो वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता है, हमने उस सहायता की राशि को भी जो है वो 500 रुपए से बढ़ा करके जो है वो 3,000 रुपए जो है वो मासिक किया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने जो है वो प्रदेश के अंदर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के, हमने जो है वो सौर ऊर्जा के नाम से एक स्कीम जो थी वो लॉन्च की थी और उसके सकारात्मक जो है वो परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं। आज जहाँ विद्युत की जो है वो बचत भी हो रही है और बचत के साथ साथ जो है वो पैसे का भी जो है वो उसके अंदर जो है
तो उसकी भी बचत जो है वो साथ में हो रही है। उसके लिए हम आने वाले समय में 2019-2020 में हम पूरे प्रदेश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो सौर हिमाचल के नाम से जो है वो हम जो है वो जगमगाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो निर्णय लिया है। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार आज गांव के अंदर पर्यावरण की रक्षा के लिए आज गांव के अंदर जो है वो बेसिक आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए हर गांव के अंदर जो है हर पंचायत के अंदर जो है वो एक भारत निर्माण सेवा केंद्र Thank you.